समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम् वर्षं तद्भारतं न भारतीय संततिः। मैं उस भारत की बेटी हूँ जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की मधुर वाणी गूंजती है। हाँ, मैं उसी भारत की बेटी हूँ जिस भारत में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धा तथा लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना और भगत सुभाष चंद्रशेखर व स्वामी विवेकानंद जैसे तेजस्वी युवाओं का जन्म हुआ है। उस भारत भूमि की धरा पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय जी, नेक शिविर की निर्णायक मंडल, अन्य अतिथिगण, शिक्षक वृंद तथा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं दृष्टि ठाकुर आज के समक्ष नशे से युवा पीढ़ी के जीवन में दुष्प्रभाव विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। महोदय, विश्व गुरु व सोने की चिड़िया से विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाले भारत वर्ष के चिंतन की ऊंचाई तो यह थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन विडम्बना तो देखिए, आज नशे के इस्तेमाल से न केवल भारत वर्ष अपितु संपूर्ण विश्व त्रस्त है। नशे से आज केवल पंजाब का युवा ही नहीं उड़ रहा है, बल्कि हिमाचल जैसे शांत और रमणीय स्थल का युवा भी पूरी तरह से डूब चुका है। आज भी हमारी देवभूमि को उठता हिमाचल कहे तो हमें शर्मिंदा ही नहीं बल्कि चिंतित भी होना चाहिए। मुझे कवि दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियाँ याद आ रही है, हो गए पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। महोदय, यह पूरा घुटन उन पूरे माँ बाप की है जो अपने लाडले बेटे या बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय इस आशा के साथ भेजते हैं कि उनका लाडला बेटे या बेटी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील या प्रशासनिक अधिकारी बनकर उनका नाम रोशन करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, तब उन बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब उन्हें मालूम पड़ता होगा कि उनका लाडला बेटा या बेटी नशे की लत में पड़ चुके हैं, तो उनकी जिंदगी मौत सी हो जाती है। आखिर क्या है नशा? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, तंबाकू, अफीम, स्मैक, कोकीन, चिट्टा आदि का सेवन नशा ही तो है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व शराब करते फेफड़े व यकृत खराब, नशा पहले देता है स्वाद फिर देता है बर्बाद। महोदय, आखिर ये नशा करते ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है उनके शौक, चाहत, उमंग, उत्सुकता, तन्हाई, मोहब्बत, शोहरत आदि। युवा पर पश्चिमी संस्कृति, फिल्मों, टीवी पर आने वाले विज्ञापनों का भी असर होता है। शौक से पता चलता है कि माता पिता का बच्चों को समय न देना, घर पर झगड़े व कलेश, बेरोजगारी, पढ़ाई का तनाव तथा भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने के कारण भी बच्चे नशे और गलत संगत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं युवा पीढ़ी को यह जरूर बताना चाहूंगी, नशा है एक ऐसा खंजर जो कर देता है जिंदगी को बंजर। जिसने भी नशे को अपनाया है जिंदगी में वह बहुत पछताया है। Therefore, it has been rightly stated that smoking and drinking are injurious to health. Only prevention is better than cure. मोदो, WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 27.5 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 30 लाख करोड़ रुपए मादक पदार्थों का अवैध धंधा होता है। एक सिगरेट पीने से आयु 11 मिनट कम हो जाती है। भारत सरकार ने 1985 में NDPC एक्ट बनाकर नशे व नशा खोरों पर काफी नकेल कसी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस बनाया जाता है ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया जा सके। नशा रूपी दानव से बचने के लिए हम सभी को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा क्योंकि इसलिए माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताकर सही व गलत का अंतर बचपन से ही समझाना होगा। समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप में नशीले पदार्थों की बिक्री पर खामोश न बैठे। युवा भी खेलकूद तथा शारीरिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लें ताकि उनके तनाव से लड़ने की इच्छा शक्ति प्रबल हो सके। मैं देश के युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी, युवा जो नशे से दूर है जीता वही जिंदगी भरपूर है, देता समाज को दिशा नहीं बनता वो राष्ट्र का गुरूर है। चाहकर तुम आसमान में रवि का ही प्रकाश करो, लेकर नहीं ऊर्जा तुम नशा त्याग का प्रयास करो। जिस